अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा नाम है खीजर, हम हैं मरियम के भाईजान और आज हम बनाएंगे इंस्टेंट नूडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा थर्मल, तो हम ये खोलते हैं और हम अपना ये नूडल्स इसमें तोड़कर डालेंगे। अब हम इसमें मैगी का मसाला डालेंगे। अब हम हमारा मटर लेंगे। अब हम इसे ऐसे क्रश करेंगे। और हम लेंगे और वापस से हम क्रश करेंगे। हमारा चुटकी भर गाजर लेंगे और चुटकी भर हरी धनिया। अब हम ये कॉर्न लेंगे, हम इसे भी क्रश करेंगे। अब हम इसे अंदर डालेंगे। और लेना है इसमें थर्मस का गर्म पानी डालेंगे। खौलता हुआ गर्म पानी लेना है। बस और अब हमें इसे बंद कर देना है, फिर शेक करना है। अब हम थोड़ा इसे शेक करेंगे। अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो आपने देखा हमारे भाईजान ने कैसे मैगी बनाया। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम। आज हम हैरी और मैरी के लिए बनाएंगे थोड़ा कुछ अमेजिंग, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। तो अभी हमारा गुड्डा नहा रहा है अपने डकलिन के साथ। ये देखिए ये नहा रहा है। और हैरी पानी में हाथ डाल रही है। तो ये बहुत नॉटी है। तो अब हम यहाँ पे
हम बनाएंगे आज जूस और आइसक्रीम्स। तो हमें सबसे पहले लेना है एक ग्लास, ये देखिए यहाँ पे हमने ग्लास लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे लेमन कटे हुए थोड़े। इसके अंदर से आपको सीड्स निकाल लेनी है, ये देखिए आप देख सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ले रहे हैं अभी कुछ पुदीना की डंठल, यहाँ पे हमने 4 ली है ये डंठल। उसके पत्ते लिए हैं हमने अभी, और इसे हम एक एक डालेंगे इसके अंदर, ये इस तरीके से, ये हो गया। इसके अंदर सब कुछ डाल देंगे ऐसा। हो गया। फिर हम ये अभी थोड़ा सा ही है बाकी, इस तरीके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड कटर, तो हम इसको ये देखिए कॉर्नर से हम ऐसा यहाँ पे पकड़ेंगे, और इसे हम क्रश करेंगे इसके पीछे हिस्से से। ये बहुत ही इजीली है सही में, आप बनाइए जरूर इसे। ये इस तरीके से हम इसे कूटते जाना है। अच्छे से दबाओ, क्रश करो। ये देखिए लेमन अभी क्रश हो रहा है, अभी थोड़ा सा और करेंगे हम क्रश। ये हो गए पूरे क्रश। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 स्पून शुगर, यहाँ पे हमने 2 स्पून शुगर पिसा हुआ लिया है हमने इधर। आप चाहे तो कड़क भी डाल सकते हैं, पर पिसा हुआ से टेस्ट ज़्यादा आएगा यहाँ पे, इसलिए थोड़ा आधा भी डाल रहे हैं इधर। अब हम इसे बंद करेंगे। इसे बंद करने का तरीका ऐसे है, ये यहाँ पे जो आपको लाइंस मिलेंगी इसे आपको इस पर रखना है, फिर इसे आप ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए ये आपका पूरा बंद हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। फिर हम लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा हम वाटर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही लिया। बस, और अब हम इसको बंद करके साइड में रखते हैं। इसे हम साइड में रख दिया है हमने। स्पून लो। और अब हम लेंगे स्पून और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये आपका ये मिल गया है, हम पहले चखते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है सही में। तो ये आपका जूस बन चुका है, ये देखिए बहुत टेस्टी है। ये लीजिए भाईजान, शुक्रिया। कैसा लगा? अच्छा है। शुक्रिया। अब हम
ये लीजिए आप पीजिए। अब हम यहाँ पे अपनी मैगी दिखाइए खिजर। यहाँ पे हमारे भाईजान ने मैगी बनाई है, तो अभी हम खोलते हैं। तो चलिए, 10 बड़े हो चुके हैं बिल्कुल भी। ये देखिए हमारी मैगी तैयार है। ये देखिए, ये हमसे मिक्स करेंगे, तो हम इसे मिक्स करेंगे। चलिए चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये अच्छी तरह से पका है कि नहीं। ये बहुत अच्छा है, अरे पक चुका है और बहुत टेस्टी है, अमेजिंग। आप भी ऐसे ही हम घर में बनाइए और खाइए, दिस इज वेरी अमेजिंग। मैं चक्के देखती हूँ, बहुत अमेजिंग है। ये देखिए आप खाइए, ये देखिए आपको कैसा लगा। ये अच्छा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे। और मैरी।